Okay, good morning students. So let us discuss the benefits of international trade or business. Yesterday we had started with it and we had already covered certain points. Benefits to countries as well as benefits to firms which indulge in international business. तो जो international business होता है वो ना सिर्फ उन countries को benefit देता है जो कि इसमें इंडल्ज होती है यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती हैं, वेयर एज जो स्पेसिफिक फर्म्स हैं जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एंगेज्ड हैं, उनको भी ये बेनिफिट्स देता है. ठीक है, सो क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कंट्रीज को, हमने कुछ कर लिए थे. नंबर वन बी अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ऑल ऑफ अस आर अवेयर जब इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो उसी कंट्री की करेंसी में होता है, दूसरी फॉरेन करेंसी में ही होता है. ठीक है, अगर आप यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको जो अर्निंग है वो यूएस डॉलर्स में आएगी. तो आपकी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाती है जब आप फॉरेन कंट्रीज के साथ बिजनेस ट्रांजैक्ट करते हैं. अब आप फॉरेन एक्सचेंज का क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज से बेटे आप वो गुड्स इम्पोर्ट कर सकते हैं जो या तो आपकी कंट्री में नहीं पाए जाते या जिनको प्रोड्यूस करने में आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है. ठीक है, सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. सेकेंड इज यू मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. बेटे आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के इतने फेवर में क्यों हैं? देयर वाज अ टाइम जब हर कंट्री अपने बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट करती थी, बैरियर्स लगा देती थी, वो नहीं चाहती थी कि हमारी कंट्री के लोग इम्पोर्टेड गुड्स खरीदे, वो सेल्फ सफिशियंट बनना चाहती थी, चाहे उसको कोई चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हासिल है या नहीं है, लेकिन वो कहती थी कि हम सेल्फ सफिशियंट ही होंगे, हम इस चीज को जैसे मर्जी बनाए हम अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे. But now the concept has changed. Reason being that the resources all over the world, they are, scarce. तो जो scarcity of resources है, वो global phenomena हो गया है. तो when resources are already scarce, can you afford to make, wastage of them? तो जब आप ऐसी good की production करते हैं, जिसमें आपकी specialization ही नहीं है, तो इसका मतलब आप resources को क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इट अगर आप उन कंट्री को प्रोड्यूस करें जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हासिल है, उसकी सरप्लस प्रोडक्शन को उन कंट्रीज को बेचें जिनमें जिनकी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, और उनसे वो गुड्स लें जिनमें उनकी स्पेशलाइजेशन है, इससे जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज होंगे, क्योंकि हर कंट्री वही गुड प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है. ठीक है, देन इंप्रूव्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल. सो प्रोड्यूसिंग सोलली फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, इट रिस्ट्रिक्ट्स कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. जब कोई भी कंट्री सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर फोकस करके प्रोडक्शन करती है तो उस कंट्री के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उस कंट्री के एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं. ठीक है, जैसे एक डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री है उनमें लोगों की वहां पर कैपिटा इनकम लो रहती है, पर कैपिटा इनकम लो है तो गुड्स की डिमांड भी कम रहती है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंट्रीज है ये ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगी अगर ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर फोकस करेंगी, क्योंकि इनकी अपनी कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम लो है तो वो लोगों की डिमांड भी कम है. तो अगर वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये जो मार्केट्स हैं ये हमारी सरप्लस प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, यानी हम जितना मर्जी चाहे प्रोड्यूस करें, हम अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड कर सकते हैं ज्यादा प्रोड्यूस करके, हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीप कर सकते हैं,
और सरप्लस प्रोडक्शन को हम फॉरेन कंट्रीज में बेच सकते हैं। इससे हमारे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, हमारा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना, ठीक है, ये फॉरेन मार्केट में अपने गुड्स बेचती हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज ये हैं, स्ट्रैटेजी क्या है इनकी ग्रो करने की, एक्सपोर्ट एंड फ्लरिश। और आज देखो दीज आर दी स्टार परफॉर्मर्स ऑन दी वर्ल्ड मैप। अब ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर है, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट एंड फ्लरिश स्ट्रैटेजी से। ये अपनी कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस में करते हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहती है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के बाद भी गुड्स बच जाते हैं तो ये उनको एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज। सी टुडे वी आर, आज जब भी हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं, अनोइंगली 100 में से 50 चीजें MNCs की होती हैं, ठीक है, मतलब इतने को हम MNCs के प्रोडक्ट्स लेने के हैबिचुअल हो गए हैं कि इंडियन ब्रांड्स भी आपके माइंड में बहुत कम आते हैं। आप चिप्स की बात करो तो आप लेस के चिप्स के बारे में बोलोगे, लेस कौन मैन्युफैक्चर करता है, पेप्सिको, पेप्सिको इज ए मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं आपके घर में वॉशिंग मशीन कौन सी है, रेफ्रिजरेटर कौन सा है, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो कहेंगे LG है, सैमसंग है, हायर है, बॉश है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर मल्टीनेशनल ब्रांड्स। सो विच मीन्स टुडे यू आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सम ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट मेड इन इंडिया, दे आर मेड बाय मल्टीनेशनल corporations, even your mobile, your tabs, your laptops, ठीक है, आपके shoes, तो ये सब multinational companies के brands हैं। Imagine करो अगर international business नहीं होता, trade नहीं होता, export import नहीं होता, या foreign countries को allowed नहीं होता कि India में goods आके manufacture करें और बेचें, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज रिस्ट्रिक्टेड होती, इंडिया में उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती, तो क्या आप ये चीजें खरीद सकते? नहीं। और अगर आप ये चीजें नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नहीं होता जो आज है। बेटे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट यू नो समथिंग विच इज नॉट इट्स द वे इट्स योर कंजम्पशन पैटर्न। How do you measure somebody's standard of living? By the way of their consumption pattern. ठीक है, अगर कोई भी दो families हैं A and B, A जो है वो 2 लाख रुपए महीना earn करती है, B 1.5 लाख रुपए महीना earn करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि A का standard of living ज्यादा होगा। Let us say A जो family है वो ज्यादा saving में believe करती है, वो ज्यादा goods consume नहीं करती, तो बी जो है वो अपनी मैक्सिमम इनकम स्पेंड कर देती है और कोई ना कोई नई चीज घर में लेके आते हैं, ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कभी उन्होंने नई कार ली है, कभी नया बाइक लिया है, नए कपड़े पहने हुए हैं, बड़े होटल्स में वो जाते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है किसी के कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास है तभी कंज्यूम कर पाओगे ना, तभी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगर इंटरनेशनल बिजनेस है तो ही आप अपना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाते, ठीक है। सो आई गेस दीज आर द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द इकोनॉमी। नाउ लेट अस कम टू द बेनिफिट्स अवेलेबल टू दी फर्म। जब भी जो फर्म है वो इंटरनेशनल बिजनेस में इंडल्ज करती है
चाहे वो एमएनसी है, चाहे वो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, या किसी चीज कोई लाइसेंसी है वो, ठीक है, कोई फ्रेंचाइजी ली हुई है उन्होंने, किसी भी तरह से अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है तो उसके उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर वन इज प्रॉस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स। सो बेटे, जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो डोमेस्टिक बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी कंट्री में गुड्स के प्राइसेस कम है और अगर हम हाई प्राइस पे बेचेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर हमारी ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। वो कंपेयर करेगा, वो कहेगा ये वाली चीज सस्ती, इस प्रोड्यूसर की सस्ती है, मैं इसको खरीदूंगा। इसका मतलब आप प्राइसेस बढ़ा ही नहीं सकते, आप हाई प्राइस पे चीज को बेच ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बेच पा रहे हो? क्योंकि आपकी कंट्री में प्राइसेस लो है, ठीक है। तो इस केस में बेटे, जब आपकी कंट्री में प्राइसेस लो है, यानी कि डोमेस्टिक प्राइसेस गिर चुके हैं, तो उस केस में हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज। सो फॉरेन कंट्री में यू कैन गेट बेटर प्राइसेस फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड हेंस यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बेटे, इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो मेनी फर्म्स दे सेट अप देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर इन एक्सेस ऑफ डिमांड इन दी डोमेस्टिक मार्केट। जो फर्म्स हैं बेटे, वो जब भी अपनी यूनिट्स बनाते हैं तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा रखते हैं। सपोजिंग उन्होंने प्लांट खरीदा, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको जब 1 घंटा चलाया जाता है तो उस पर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन जो उसकी डिमांड है कंट्री में वो सिर्फ 500 यूनिट्स की है, तो वो कहेगा मैं 1000 प्रोड्यूस करके क्या करूंगा, मैं 500 गुड्स ही प्रोड्यूस करूंगा। कैपेसिटी उसकी कितनी है, 1000 की। डिमांड कितनी है, 500 की, तो वो 500 प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसको चलाता है 1 घंटे ही है, जब वो 1 घंटा चलती है कॉस्ट उतनी आती है, चाहे वो उसके ऊपर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे चाहे 500 प्रोड्यूस करे, लेकिन उसको कितने करने पड़ रहे हैं, 500। डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी कैपेसिटी 1000 की है, वो 500 प्रोड्यूस कर रहा है। आप मुझे बताओ, इससे उसको कोई फर्क पड़ रहा है? अगर वो 1000 करेगा तो उसको कोई फायदा होगा? सपोज करो उसको 1 घंटा चलाता है, वो 1000 रुपए का खर्चा आता है और 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। लेट अस से वो उसको 1 घंटा चलाता है, 1000 गुड्स प्रोड्यूस करता है, 1000 का खर्चा आ गया, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई? एनीवन, कल हमने कॉन्सेप्ट किया था ना इकोनॉमिक्स में भी, एवरेज कॉस्ट। हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 1000। टोटल आउटपुट कितनी है? यस मेघा एंड ईशा राइट, हर्षिका राइट। लेवल ऑफ आउटपुट है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 1 रुपी पर यूनिट, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, कैपेसिटी 1000 की है, डिमांड 500 की है और 1 घंटा वो चलाई मशीन, हमने कहा 500 ही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि डिमांड ही 500 की है, लेकिन 1 घंटा चली तो खर्चा कितना आया, 1000। इस केस में एवरेज कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट, 1000 डिवाइडेड बाय 500 कम्स आउट टू बी यस ₹2 पर यूनिट। तो हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ गई ना। अब क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए? हमारे पास कैपेसिटी भी है, हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके इकोनॉमीज भी रीप कर सकते हैं,
लेकिन गुड्स की डिमांड नहीं है. तो नाउ व्हाट इज द वे आउट? द वे आउट इज इंटरनेशनल बिजनेस. वी शुड यू नो प्रोक्योर ऑर्डर्स फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स. हमें ओवरसीज, हमें यहाँ पे जरूरत है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल करने की. जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे तो क्या होगा, हमें बाहर से ऑर्डर्स मिल जाएंगे, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. अब हम उसी मशीन के ऊपर 500 की बजाय 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन मेक यूज ऑफ अवर कैपेसिटी. गॉट इट? नेक्स्ट बेटे, प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, कई बारी कोई बिजनेस फर्म होती है, उसके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है ना डोमेस्टिक मार्केट में, उसकी सेचुरेशन आ जाती है. नाउ पीपल नो मोर आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज गुड्स. तो दिस इज यू नो क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग. इससे तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा, आपने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस सेटअप किया है, अब आपके गुड्स की डिमांड खत्म हो गई, सेचुरेशन आ गई, अब आप क्या करेंगे? सो वन वे आउट इज यू स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट इन द फॉरेन कंट्रीज. बेटे यही स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में डंप कर रही हैं. आपने कभी सुनी होगी ये बात कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये यूएस में ऐसे नहीं बिकता, यूएस में ये बहुत सुपीरियर फॉर्म में बिकता है, या उसकी डिमांड ही नहीं है, ये सब इंडिया में, सिर्फ इंडिया में यू नो प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, या इंडिया में डंप कर रहे हैं. कभी सुना होगा आपने ऐसे, ठीक है. तो जैसे अब यूएस में छोटी कारों की डिमांड नहीं है, लेकिन जितनी भी यूएस कंपनीज हैं वो इंडिया के लिए छोटी कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं. इंडिया यूएस में उनकी कारों की डिमांड की सेचुरेशन आ गई थी, ठीक है. अब वहां पर उनकी कारें कोई नहीं खरीदता, तो उसके लिए उन्होंने दूसरे मॉडल बनाने शुरू किए. वेयर एज जो उनके पुराने मॉडल्स हैं, छोटी कारें हैं, वो यूएस, वो इंडिया में बेची जाती है, इंडियन मार्केट में बेची जाती है, और इंडियन कस्टमर बड़े खुश होके लेते हैं कि हम तो फॉरेन यू नो MNC ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, ठीक है. सो जब आपके प्रोडक्ट की सैचुरेशन डोमेस्टिक मार्केट में आ जाती है तो आप उसको फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं. द नेक्स्ट इज वे आउट टू इंटेंस कॉम्पिटिशन इन डोमेस्टिक मार्केट. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, ठीक है. तो उस केस में आपका सर्वाइवल जो है दैट बिकम्स रियली रियली डिफिकल्ट. स्पेशली प्राइस कॉम्पिटिशन आ जाता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आ जाता है. प्रोड्यूसर्स आपस में, एक प्रोड्यूसर अपना प्राइस कम करता है 10%, दूसरा 20% कम कर देता है, तो अब आपका तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा, फिर आपको 20 की बजाय 25% कम करना पड़ता है. सो ये जो कॉम्पिटिशन है ये बहुत इंटेंस हो रहा है. तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आपकी आपको अपनी फर्म की ग्रोथ अचीव करनी है. सो गोइंग इंटरनेशनल सीम्स टू बी द ओनली वे टू अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ठीक है. सो कई बार इंटरनेशनल बिजनेस जो है इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ फॉर फर्म्स फेसिंग टफ मार्केट कंडीशंस ऑन द डोमेस्टिक टर्फ. आपको अपने डोमेस्टिक कंट्री में इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, तो उस केस में कई बारी इंटरनेशनलाइजेशन जो है इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, विच इज
improved business vision. So bete, the growth of international business of many countries is essentially a part of their business policies or strategic management. कई companies जो हैं जब setup ही होती हैं तो उनकी growth strategy का एक important component होता है internationalization. जब वो setup होती हैं वो तभी सोच लेती हैं कि हमको growth कैसे achieve करनी है, हमें international जाना है, ठीक है? So ये उनका जो vision है, vision for growth, that again acts, this is an, of course, improved business vision है. उनकी ये जो urge to grow है, the need to become more competitive है, the need to diversify है, and they need to, you know, take advantage of internationalization. So being in, going international is, you know, one of the improved business vision. अगर हमारे पास ये होता ही नहीं, एक ऑप्शन ही नहीं होता कि हम फॉरेन कंट्री में जाके गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या वहां से अपना कोई चीज कंपोनेंट मंगवा सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता तो हमारा बिजनेस विजन का ये पार्ट नहीं रहता, ठीक है? सो टुडे वी हैव दिस इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, दैट इज द विजन टू बिकम इंटरनेशनल, ठीक है? Which comes from the urge to grow, the need to become more competitive, and the need to diversify and to gain strategic advantages of internationalization. ठीक है? So which means, to conclude, we can say international business provides benefits not only to the countries but also to the specific firms which indulge in international business. Even though it is more challenging as compared to the internal business, but still, agar hame ye benefits reap karne hai, hame improved business vision rakhna hai, apni capacity ko utilize karna hai, apne profits badhane hai, domestic market ke competition se bachna hai, to hame international jane ka सोचना चाहिए, ठीक है? सो यही कुछ हमारे सिलेबस में था बेटे इस चैप्टर में. तो एक हमारा ये आगे जो टॉपिक है, इवन दो इट इज नॉट इन सिलेबस, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स, मोड्स मींस कौन से तरीके हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के. सो वन इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एवरीबॉडी नोज दिस. Another is contract manufacturing. Contract manufacturing मतलब outsourcing. आप अपना जैसे Reebok के shoes हैं. अब ये international brand है. But how many of you know that they are manufactured in India? Reebok के shoes international brand है. Tommy Hilfiger international brand है. Are you aware that these are manufactured in India? किसी को पता है इस बारे में? Raise your hand if you are aware. These are being manufactured in India. जो Reebok का manufacturer है वो यहाँ पर India में producers को contract देते हैं कि आपने मेरे इस brand ना के, इस design के, इस material से इतने shoes बनाने हैं, ठीक है? बिकते Reebok के नाम के हैं लेकिन बनते यहाँ पर local factories में हैं. तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. देन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है वो फ्रेंचाइजी है, बर्गर किंग है वो फ्रेंचाइजी है, पिज्जा हट है वो फ्रेंचाइजी है, ठीक है? सो मेनी फ्रेंचाइजीज आर देयर. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग सिमिलर है बट नॉट इन अवर सिलेबस, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. देन जॉइंट वेंचर्स, ये सबको पता है, जब दो फर्म्स जो है, एक इंडियन और एक फॉरेन कंपनी आपस में जॉइंट वेंचर करती है टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. देन इज होली ओन्ड सब्सिडियरी, पूरी जो है अपना सब्सिडियरी
इंडिया में या फॉरेन कंट्री में, इंडियन फॉरेन कंट्री में या फॉरनर इंडिया में आकर अपनी सब्सिडरी खोलते हैं, जैसे फोर्ड इंडिया, सैमसंग इंडिया, ठीक है, इस तरह से। सो दैट्स ऑल। और हमारे सिलेबस में बेटे इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सो बहुत ही सिलेबस कट शॉर्ट कर दिया हुआ है।